हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स अरेलिया प्लांट पर हैं। ये देखिए अरेलिया के प्लांट है जिसे मैं कुछ दिन, लगभग 10 दिन पहले इस प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाई थी। इसे रिपोर्ट नहीं की हूँ। देखिए आज के इस वीडियो में अरेलिया प्लांट को रिपोर्ट करेंगे और इसके लिए जो बेस्ट सॉइल मिक्सर है किस तरह से होने चाहिए उसी पर है। और इसके लिए जो सॉइल मिक्सर मैं रेडी करने वाली हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए एक पार्ट के करीब मैं सॉइल ले रखी हूँ, नॉर्मल सॉइल, गार्डन सॉइल, और एक पार्ट के करीब ये बर्मी कंपोस्ट है। आप इसके जगह गोबर की खाद, एक साल पुराने आप ले सकते हैं। और एक पार्ट के करीब ये कोकोपीट मैं ले रखी हूँ। देखिए देखिए आप चाहे तो इसके जगह सैंड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अरेलिया प्लांट थोड़े से वेल ड्रेन सॉइल को पसंद करते हैं, तो इसके लिए जो सॉइल हम तैयार करेंगे थोड़े से वेल ड्रेन होंगे, मॉइस्चर तो रहेंगे लेकिन इसमें पानी होल्ड नहीं रहेंगे। तो चलिए इसके सॉइल को हम रेडी करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इन सभी को आप मिक्स कर लें। देखिए तीनों सॉइल, बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लें। इसके बाद इस ड्रेनेज होने के लिए देखिए इस तरह के आप पत्थर का चुनाव करें। इसमें हम थोड़े से मिट्टी नीचे ग्राउंड में डालेंगे। देखिए इसके नीचे के गमले में ये देखिए। इसके बाद ये पॉटिंग मिक्स जो आप प्लांट के लिए तैयार किए हैं इसके ऊपर हम डालेंगे। ये 1/2 इंच के बाद ये प्लांट को हम रखेंगे। फ्रेंड्स प्लांट को आप अच्छी तरह से निकालें, इसके रूट कटने ना पाए। देखिए इस तरह से हम थोड़ी सी मिट्टी में निकाल दे रही हूँ। ये देखिए ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए यहाँ के घास पात भी मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लांट लग चुके हैं। चलिए मैं वाटरिंग भी कर दूं। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे इंडोर में रखें, क्योंकि ये जो अरेलिया प्लांट होते हैं थोड़े से इंडोर में रखना पसंद करते हैं। आने वाले वीडियो में इसके केयर टिप्स के बारे में भी बताऊंगी। थैंक यू।